मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपने अपने हिंदी बुक मंथन से पहले कुछ पाठ पढ़ चुके हैं। अब आगे के पाठ को मैं पढ़ाऊंगी। आगे का पाठ है पाठ 4, कौरवों की सभा में श्री कृष्ण। कविता। इस पाठ से हम कविता पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। वनवास पूरा कर लौटने पर पांडवों ने जब दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने राज्य उन्हें वापस लौटाने से मना कर दिया। कौरवों को समझाने और युद्धों के होने के कारण दुष्प्रभावों को बताने के लिए श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों की तरफ से शांति संदेश लेकर जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि सभा में क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सब धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। इसका अर्थ है कि वर्षों तक वनों में घूमने के बाद सारी मुश्किलों को हटाने के बाद धूप घाम पानी पत्थर सबको सहते हुए जब पांडव आते हैं तो वो और भी निखर जाते हैं, क्योंकि सौभाग्य जो है बहुत दिन तक नहीं सोता है, वो जागता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। इसका अर्थ है मैत्री की राह बताने को, मित्रता की रास्ते को बताने के लिए जो लोग कुमार्ग पे चल पड़े हैं उनको सच्चे रास्ते पे लाने के लिए और दुर्योधन को श्री कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं कि इस भीषण विध्वंस जो युद्ध से होने वाली विध्वंस है उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडव के तरफ से शांति संदेश लाए थे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। इसका अर्थ है हमें न्याय दे दो या आधा राज्य दे दो, अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, उसी में हम खुशी खुशी रह लेंगे, खा लेंगे और कम से कम अपने परिजनों पर अपने परिवार वालों पर तलवार तो नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इतना जब कृष्ण जी पांडवों का संदेश जब दुर्योधन को सुनाते हैं तो दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं होता है, वो ना आधा राज्य देने को तैयार होता है और ना ही 5 गांव देने को तैयार होता है, जिसके कारण उसको अपने समाज की अपने राज्य के लोगों की आशीर्वाद नहीं मिलता है, सब उसको हीन की दृष्टि से देखते हैं और उसमें भी वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए कहता है कि ये शांति दूत बन के आए हैं, उनको बंधी बनाओ, उनको बंदी बनाओ, बंधक बनाओ उनको, क्योंकि जब मनुष्य का नाश होता है, नाश छा जाता है, ये होता है कि अब इनका नाश होने वाला है, तो पहले मनुष्य की जो बुद्धि है
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब दुर्योधन ने आदेश दिया कि हरि को बंदी बनाओ, तब श्री कृष्ण ने हुंकार कर कहा और अपने स्वरूप को दिखाया, पूरे राज्यसभा में अपना स्वरूप विस्तार किया। जैसे ही उन्होंने अपना स्वरूप विस्तार किया, राज्य भवन की जितने भी बैठे हुए लोग थे उनकी गद्दियाँ हिलने लगी, भूकंप सा आने लगा और उन्होंने कहा क्रोधित होकर कि हाँ हाँ जंजीर बढ़ाओ साधो, यानी जंजीर लेकर आओ और बांधो मुझे, बांध लो आज मुझे। जिह्वा से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। मतलब जिह्वा से, जीव से निकलती घनाघोर अग्नि सांसों में जब घुसता है, हवा का जन्म होता है तो विध्वंस होने लगता है, और मेरी दृष्टि जिधर जाती है उधर सारी सृष्टि वातावरण हंसने लगता है। मैं जब भी अपनी आंखों को मूंद देता हूँ उधर विनाश उत्पन्न होने लगता है, मरने लगते हैं लोग। बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ा के बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे बांधने आए हो तो क्या ऐसा जंजीर कोई लाए हो जो खुले आसमान को गगन को बांध सकता है। अगर मुझे पहले बांधना है तो पहले गगन को बांधो, आसमान को बांधो, उसे साधो, मुझे क्या बांधोगे, मुझे कौन बांध सका है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मतलब हित वचन नहीं तूने माना, अच्छी बातों को श्री कृष्ण जी दुर्योधन से कहते हैं कि अच्छी बातों को तुमने कभी नहीं माना, दोस्ती का मूल भी नहीं पहचाना, तो लो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब याचना यानी मांगना नहीं होगा, अब सीधा युद्ध होगा और अब जीवन बचेगा नहीं, अब मरण होगा यानी मृत्यु होगी। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की ऊपर वही प्रखर, फण से स्नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। मतलब टकराएंगे नक्षत्र निकर, नक्षत्रों के समूह जब टकराएंगे तो धरती पर आग बरसेगा, शेषनाग अपना फन फैलाएगा, विकराल काल, काल का जो विकराल रूप है वो खुलेगा, दुर्योधन अब रण होगा यानी युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा कि फिर इस युद्ध की तरह दूसरा कोई युद्ध नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण गुण से छूटेंगे, व्यास श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे, आखिर तू घुसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। मतलब भाई भाई पर टूटेंगे, भाई भाई को मारेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, बाण से विष निकलेगा जो भाइयों पे बरसेगा, कौवे और सियार सुख लूटेंगे, जब मनुष्य के किस्मत में किस्मत फूटेंगे, और तू दुर्योधन तू धराशायी यानी पृथ्वी पर गिरा हुआ होगा, हिंसा पर दाई होगा यानी ये इस हिंसा का जिम्मेदार कौन होगा। ये कृष्ण जी इतना कहते हुए कौरवों की सभा से चले जाते हैं।